गवर्नमेंट जॉब में आज एक ऐसे पोस्ट पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो बेसिकली कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम जॉब होती है। तो बच्चे, आज इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर। इनका काम ऑडिट करना है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सीए नहीं कर पाते हैं या फिर सीए में नहीं जाते हैं, एक कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है और उसके मन में कुछ उस लेवल की पोस्ट की एक ख्वाहिश थी, तो वो उससे बेटर यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर बन सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है ये आपके लिए। बेसिकली ये जो है ग्रुप बी की जॉब है, रजिस्टर्ड ऑफिसर की नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है ये आपका, और डिपार्टमेंट इंडियन ऑडिट और अकाउंटेंट डिपार्टमेंट अंडर सीएजी कैग के अंडर होता है ये आपका, इसलिए ये नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब है आपका। और इसमें जो है आपको कंडक्ट ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपको ऑडिट करना होता है इसके अंदर। तो आपका बेसिकली ऑडिट करने का काम रहेगा, और इसके लिए आपको जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर कई बार आपको जाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर आल्सो नीड्स टू ट्रेवल ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। आप यहाँ पर अगर इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो एक शानदार जॉब है, एक रेपुटेटेड जॉब है। आप इंस्पेक्शन करने जाते हैं, आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, आप ऑडिट करते हैं, बहुत शानदार जॉब है। और सैलरी पे लेवल लेवल 8-8 है, और ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे है, और सैलरी इन हैंड। ये देखो, सैलरी वेरी करता है स्टेट वाइज, लेकिन उन्होंने एवरेज सैलरी में बता रहा हूँ आपको कि वेरी भी करेगा तो 2 से 3 हज़ार रुपये ऊपर, 2 से 3 हज़ार रुपये नीचे, इतना ही वेरी करेगा। तो 96,000 इन हैंड आपके हाथ में सैलरी आपको मिलती है, क्लियर है। और बाकी चीज़ें आपका जो है कटकुटा करके जो भी आपका जो है पीपीएफ वगैरह आपका जो सबमिट होता है वो एक अलग चीज़ है, बट इन हैंड आपके हाथ में 96,000 रुपीज़ सैलरी आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो बच्चे, इसके लिए एक जॉब होती है, एक वैकेंसी आती है एसएससी सीजीएल नाम से, ठीक है। और एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे इसमें आपके पास में पहले 2 राउंड में एग्जाम होंगे, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। राउंड वन में अगर आप एग्जाम देखेंगे, इसको टीयर 1 कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट्स आपके पास में टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 50 मार्क्स का हो गया। रीजनिंग भी आपके पास में जो है 25 क्वेश्चन होंगे, ईच 2 मार्क्स का, एंड ईच आपका सब्जेक्ट 25-25 का होगा। अब मैथ्स में क्या होगा? क्या मैथ्स में जो 11-12th में आपने मैथ्स पढ़ा, क्या वो मैथ्स होगा? या जो ग्रेजुएशन में मैथ्स कर रहे हैं ये वो मैथ्स होगा? बिल्कुल नहीं, ये वो मैथ्स नहीं होगा। जो बेसिकली आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो जनरली आप जानते हैं कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है, जो जनरली कैट जैसे एग्जाम के एंट्रेंस में आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा वेरी करेगा, बिल्कुल सेम नहीं होगा। तो इसमें बेसिकली क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है, इसमें अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथ्स होता है, क्लियर है बच्चे। लाइक कुछ चैप्टर के नाम अगर मैं आपसे बोलूं तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, स्पीड ट्रेन, बोर्ड एंड स्ट्रीम, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, पार्टनरशिप, एलिगेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, मैंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, ये कुछ चैप्टर्स आपके पास में मैथ्स के अंदर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आपका रीजनिंग एंड आपका इंग्लिश, इंग्लिश में बेसिकली आपका वोकैबुलरी, आपके रीडिंग और आपका जो है ग्रामर, ये इन चीज़ों का होता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पर वो स्टूडेंट्स जनरली, जैसे कि मेरे पास में बहुत सारे एसआरसीसी और डीयू के रेगुलर बच्चे स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस मैथ्स पढ़ते हैं, मैंने देखा है उन बच्चों की इंग्लिश जो है इस लेवल की है कि वो 50 में से 40-42 तो वो बिना पढ़े भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं। फिर भी अगर आपको देखना है कि भैया इंग्लिश का पेपर में ऐसा क्या है जो कि कर लेंगे, खासकर रेगुलर कॉलेज के जो बच्चे हैं जो 95-96% लेकर के एक बढ़िया कॉलेज में बैठे हुए हैं, उनकी इंग्लिश है उस लेवल की, तो एक मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा और उस लिंक पे मैं इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार आप उसको देख लीजिएगा कि ये क्या है, आपको लगेगा कि आपके रेंज में आता है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। उसके बाद जो है जीके, जीके में बच्चे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब कुछ रहेगा, करंट अफेयर सब कुछ रहेगा आपका। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 25-25 क्वेश्चन ईच रहेगा, 2 मार्क्स का ईच आपका हो गया, तो 50-50 200 मार्क्स का हो गया, और आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। तो वो आपको जो है ट्रिक्स बताए जाएंगे जिससे कि आप क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ साथ बच्चे जब टीयर 1 आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर टीयर 2 आप फेस करते हैं। टीयर 2 में कोई नई बुक नहीं है, कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, सेम सब्जेक्ट है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गए और मार्क्स आपका चेंज हो गया। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगा। यहाँ पे मैथ्स का 30 क्वेश्चन होंगे सेम सिलेबस से, बस लेवल जो है ना क्वेश्चंस का वो एडवांस हो जाएगा थोड़ा।
और आपके पास में ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 90 मार्क्स हो गया। रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन होंगे आपके, आपके 90 मार्क्स हो गया। बस इंग्लिश आपका 45 होगा और आपके पास में तो 135। तो जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है उसके पास में तो मेंस में अच्छा चांस हो गया। और जीके के अंदर उसके जो 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपके पास में देखेंगे यहाँ पर तो 390 मार्क्स का आपका हो गया। और यहाँ पर भी आपके पास में 120 मिनट्स, 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा। और इस केसेस में नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 होगा। अब है कि वैकेंसी कब आती है, तो बच्चे आप लेके चलें कि SSC अपने एवरी ईयर के एंड में एक कैलेंडर इशू करते हैं पूरे नेक्स्ट ईयर की, कि हम ये वैकेंसी तब निकालेंगे। तो अक्टूबर में, एंड ऑफ अक्टूबर तक अपडेट आ जाएगा कि CGL की वैकेंसी कब आ रही है। पर आप मान के चलें कि आप नेक्स्ट ईयर जो है आप मई टू जून में आपका CGL का, जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। क्लियर है बच्चे? और वो स्टूडेंट्स जो कि अभी फाइनल ईयर में हैं या अभी फिफ्थ सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, आप इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आपके कैट के एग्जाम को भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो अभी से आप करें, कम से कम प्रिपरेशन 2 से 3 महीने में नहीं होती है, प्रिपरेशन करने के लिए भी आपको, समझने के लिए सब कुछ, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स आपके पास में, तो आप मान के चलें 10 to 12 मंथ तो आपको लगेगा लगेगा। तो अगर अभी आप फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आप स्टार्ट करिए ताकि आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट होते ही आप इस जॉब को आप अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच।